नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ मैं। आज हम पढ़ेंगे डायमेंशंस के बारे में। फिज़िक्स का पहला टॉपिक है, ठीक है, और बहुत ही ज़रूरी है अगर हमें मतलब 11th क्लास इंटरमीडिएट बात करें इंटरमीडिएट क्लास की, तो उस बुक का ये पहला टॉपिक होता है। बट इस पर बेस्ड जो है ना क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं डायमेंशन पे। अगर किसी एग्ज़ाम में एलिजिबिलिटी 12th एंड अबव है मैं समझता हूँ, और उसमें साइंस टॉपिक इंक्लूड किया है, तो मोस्टली डायमेंशंस के ऊपर एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सिंबल जो है, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये डायमेंशंस हैं। ये निकाली कैसी है, निकाला कैसा है इसको, वो आज हम समझेंगे, ठीक है। चलो ध्यान से पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा, आपको बहुत मज़ा आएगा, ज़रूरी है देखना, मस्ट वॉच। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हमें क्या क्या पढ़ना है पहले वो देख लें। हम पढ़ेंगे आज व्हाट इज़ फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, ठीक है। फिर पढ़ेंगे हम MKS, CGS और FPS, ये तीन सिस्टम है, इनमें क्या डिफरेंस है। एंड देन हम पढ़ेंगे डायमेंशंस के बारे में। डायमेंशंस का बेसिक इनसे स्टार्ट होता है, इसलिए पहले इनके बारे में समझेंगे और फिर इन क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस क्या क्या होंगी उसके बारे में हम जानेंगे। चलो दोस्तों, पहला है हमारा टॉपिक व्हाट इज़ फंडामेंटल क्वांटिटी, व्हाट इज़ डिराइव्ड क्वांटिटी, ये दो चीज़ देखते हैं। तो दोस्तों फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विद द हेल्प ऑफ विच क्वांटिटीज़ आर ड्राइव्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने बात करी भाई मास, ठीक है, लेंथ, स्पेलिंग गलत हो गई, मैं लिख देता हूँ, मास, लेंथ एंड टाइम, ये तीन क्वांटिटीज़ हैं फंडामेंटल। मास का यूनिट किलोग्राम होती है, लेंथ की मीटर होती है MKS में, टाइम की सेकंड होती है। ये जो तीन सिंबल लिखे हैं मास, लेंथ एंड टाइम, दिस इज़ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। इन तीनों को मिला के जो हम क्वांटिटीज़ और निकालेंगे दोज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी, दोज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल वेलोसिटी क्या होता है देखते हैं, जरा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या है, लेंथ ही तो है, लेंथ अपॉन टाइम। तो वो जो MLT यूज़ किया था उसमें उसी का यूज़ किया ना LOT का, तो V निकल के आ गया, ठीक है, ड्राइव्ड क्वांटिटी है वेलोसिटी। एक और देखते हैं एग्जाम्पल, एक्सेलरेशन A, V/T, V लेंथ अपॉन टाइम, टाइम पहले, तो मतलब देखा आपने L फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम फंडामेंटल, टाइम फंडामेंटल, फंडामेंटल का यूज़ किया तो फंडामेंटल का यूज़ करके हमें डराइव्ड क्वांटिटी मिल गई एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज डराइव्ड क्वांटिटी, और जो ये लेंथ है, टाइम है, दीज आर फंडामेंटल क्वांटिटीज़। बात समझ में आई होगी मुझे लगता है। स्टार्ट करते हैं आगे, MKS, CGS और FPS सिस्टम क्या होता है, ठीक है। वही पहले MKS, M मतलब मीटर, K मतलब किलोग्राम, S मतलब सेकेंड। अगर हम जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है, लेंथ, मास, टाइम, लेंथ को मीटर से दिखा रहे हैं, मास को किलोग्राम से और टाइम को सेकेंड से दिखा रहे हैं, तो ये जो यूनिट होगी, ये सिस्टम जो होगा उसको बोलेंगे हम MKS सिस्टम। क्या बोलेंगे, MKS सिस्टम। बट अगर हम दिखा रहे हैं लेंथ को सेंटीमीटर से, मास को ग्राम से और टाइम को सेकंड से, ठीक है, लेंथ को सेंटीमीटर से, मास को ग्राम से और टाइम को सेकंड से, तो ये जो सिस्टम आएगा बोलेंगे CGS। क्या बोलेंगे, CGS। बट अगर हम दिखा रहे हैं लेंथ को फुट से, मास को पाउंड से और टाइम को सेकंड से, ठीक है, लेंथ को फुट से, मास को पाउंड से, टाइम को सेकंड से, अगर ऐसे दिखा रहे हैं तो क्या कहलाएगा ये,
एफपीएस सिस्टम, क्या कहलाएगा? एफपीएस सिस्टम। एमकेएस में मीटर किलोग्राम सेकंड, सीजीएस में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एफपीएस में फुट पाउंड सेकंड। ठीक है, ये तीन सिस्टम हमने जान लिए। आगे देखते हैं डायमेंशंस निकालते हैं। तो चलो भाई पहले निकालते हैं हम डायमेंशन वेलोसिटी की। वी इज इक्वल टू आया था डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट का लेंथ और टाइम का टी। तो डायमेंशन क्या हो जाएगी इसकी? एल टी माइनस वन। इसको बड़े ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी एल टी माइनस वन, बड़े ब्रैकेट में इसको बंद कर दो। ये डायमेंशन होगी वेलोसिटी की। फोर्स की निकालते हैं, फोर्स की निकालते हैं। फोर्स होता है मास इनटू एक्सलरेशन। तो मास की हो जाएगी एम। ठीक है, एक्सलरेशन आया था लेंथ और टाइम का पावर -2। ये एम एल टी -2, ये हो गई फोर्स की डायमेंशन। भाई एम मास का हो गया, एक्सलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। मैंने बताया था आपको, मतलब वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का मतलब एल हो गया, टाइम नीचे दो बार आया तो ये इसलिए टी की पावर -2 ऊपर डालने के लिए कर दिया, बड़े ब्रैकेट में बंद कर दिया, जिससे कि हमें मालूम चले वी आर राइटिंग द डायमेंशन। ये सिंबल है डायमेंशन लिखने का, बड़े ब्रैकेट के अंदर ही इसको पूरा बंद कर देते हैं। बात समझ में आ रही है? और देख लेते हैं पावर की, देखते हैं। चलो पावर, पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। डब्ल्यू मतलब एनर्जी। ठीक है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो निकालते हैं भाई फोर्स का, मैं निकाला अभी एम एल टी -2, डिस्प्लेसमेंट का फिर एल आ गया, ठीक है ना, अपॉन टाइम टी आ गया। तो यहाँ पर टी ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? एल का, एल की पावर 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? एम का ये रहेगा। तो पावर की क्या हो जाएगी? पावर की हो जाएगी दोस्तों एम एल टू टी -3, ये पावर की आ गई। तो अगर हमें फॉर्मूला याद है ना, अगर हमें फॉर्मूला याद है तो इजीली डायमेंशन निकाल सकते हैं। फॉर्मूले की हेल्प से हम डायमेंशन को निकाल सकते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसलिए हमें करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने आज तीन चीज़ें सीखी हैं। एक तो हमने सीखा कि जब व्हाट इज़ फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटी, और तीसरा सीखा, दूसरा सीखा हमने कि डायमेंशंस कैसे निकालते हैं। दो चीज़ सीखी हैं, तीन तो नहीं सीखी। ठीक है, तो ये चीज़ हमने सीखी। तो ये लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं। कोई भी दिक्कत हो उसके बारे में, कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और खुश रहिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।